क्या हुआ? हाँ, वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस आपको जाना चाहिए। एंड सडनली करके रहते हैं। ओए 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 अरिजीत भाई आराम से। क्या हुआ ये? फिर हमने जयपुर से स्टार्ट किया था। जयपुर से फिर कोटा गए, कोटा उदयपुर। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है और दैट्स इट, हम पहुंच गए अपने गाड़ी के पास और गाड़ी पैक हो चुकी है। वाह, ये गाड़ी पैक्ड है, बिल्कुल सामान भर दिया है। और साइड से ये कुछ ऐसी दिखती है, मतलब एकदम पैक्ड है एकदम। अब जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ हमें सुन के पता चला कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, धार्मिक जगह। जब आप सुनोगे ना रिलीजियस प्लेस कि हम कौन सी जगह गए हैं, तो एक तरीके से हिडन जगह है, तो वो आपको आगे बताएंगे। तो भाई अपनी गाड़ी निकल चुली है और अपने इसमें फटाफट गाड़ी बाहर निकालते हैं। और एक कल यार हमारे ना कपड़े उड़ गए थे, तो मैंने इन भैया को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे कपड़े ढूंढ के ला दो, तो ला दिए। आ गए भाई कपड़े, चलो भाई ओके बाय बाय, चले मुंबई। नासिक जाते हुए रास्ते में नजर पड़ती है इस खास जगह पर। सच बताऊं तो थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था। नॉर्मली तो मैं यहाँ से आ रहा था, बट मुझे एक ऐसा व्यू दिख गया, तो ऐसे तो मेरे पास हार होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि ये स्पॉट जो है वाला है। तो यहाँ मैंने खुदा तो लिया गाड़ी इसके अंदर, आई होप ये चली है, क्योंकि स्पॉट देखने में बड़ा प्यार लग रहा है। तो हमने डिसाइड किया यार क्यों ना थोड़ा सा चल के देखा जाए, और ऐसी जगह पे थोड़ी शांति सी मिलती है, तो इसलिए तो अब थोड़ा कैमरा फ्लिप कर लेते हैं। ओके, तो ये दिस इज थोड़ा सा रिस्की, और मेरे को ट्रैकिंग के शूज तो है नहीं, और यश का न्यू आईफोन मेरे हाथ में है। और यश उधर गाड़ी को कुछ काम करते हुए, द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ कार, आई लव दिस यार। यार मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे चल पड़े, तो और आगे अंदर चल के देखते क्या है। अब थार तो थी नहीं, इसलिए अपनी धर्म को लेके मैं चल पड़ता हूँ आगे, जो कि लोगों के हिसाब से ये किसी गांव का रास्ता था। भाई गाड़ी पूरी प्रेशर में, अभी कुछ गुजरात में लिखा है शायद, ये ट्राइबल एरिया है, बस हमें जाते वहाँ पका के रखा जाए। और इंजन की रोरिंग तो आप सुन ही रहे होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, दूसरा गियर तो लग ही नहीं रहा है भाई, स्किड मारते गाड़ी भाई। यहाँ थार होती ना इस पे चढ़ा देता मैं ऊपर। से मैंने थार लिया तब से मैं एक ऐसी रोड ढूंढ रहा हूँ जहाँ थार के साथ मैं ऑफ रोड कर सकूँ, बट स्टिल आज तक मुझे कोई ऑफ रोडिंग रोड नहीं मिली, और मैं थार के साथ कभी वो गेम नहीं खेल पाया जो ये शॉर्ट्स में दिखाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से यूटर्न का कुछ सोचता हूँ, यूटर्न लूँ क्या? ऑफ रोडिंग और रास्ता भटकने के डर से यूटर्न लेकर हम चल पड़ते हैं वापस अपनी मंजिल की ओर। पर उससे पहले आइए आप लोगों को ले चलता हूँ माता अंजनी केव्स में, जिसे यहाँ के लोकल लोग अंजनेरी के नाम से भी जानते हैं। आगे जा रहा हूँ तभी मेरे साथ ये हो जाता है। लकड़ी क्यों लगा दिया? क्या हुआ? क्या नहीं है? भाई ने आपेला दिन माने भाग दा। भाग गए? उधर उधर उधर। भाग भाग रहे इधर। अरे भैया। रुक ना रुक। क्या कह रहा है ये? वो होली का भाग है। क्या है? होली का भाग धरता है 5 दिन। अच्छा। हाँ। तो ये क्या कह रहे हैं, वहाँ जाना नहीं है? नहीं जाने देगा, 10-5 दे दो उसको। अच्छा हाँ। ये 10-5। तो गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल ट्राइबल एरिया आ गया है ये, और जैसा आपने देखा 3-4 लोगों ने हमारा रास्ता भी रोका है। इन भैया से जैसे तैसे पीछा छुड़ा के मैं चल पड़ता हूँ अंजनेरी केव्स की ओर। आगे लोकेशन पे पहुँच कर मुझे मिलते हैं ये दो एंजल जैसे भाई लोग। यहाँ पे हम आ तो गए हैं, बट यहाँ पे कोई है नहीं, और ऐसा कोई खास मतलब टूरिस्ट स्पॉट फेमस नहीं है। तब ये यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, इनसे बात कर रहा हूँ, इनको हिंदी आती है। कुछ आइडिया कैसे कैसे क्या क्या है यहाँ? क्या कुछ बताना है इधर के बारे में? उधर क्या मंदिर? उधर जाने का और क्या है? गुफा है, वहाँ पानी नहीं होगा, बिल्कुल सूखा।
बारिश में बहुत अच्छा दिखता है। इधर से जाओ ना, इधर से, उधर से। अंदर जा रहा होता हूँ तभी साइड में ये मंदिर दिखता है। कहते हैं यार दूर दूर से लोग आते हैं पंडित जी से मन्नत मांगने। लोगों का मानना है कि हनुमान जी खुद पंडित जी से बात कर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। थोड़ी देर तक इनसे यहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद मैं चल पड़ता हूँ आगे अंजनेरी केव्स की ओर। पहले पॉइंट तो ये था कि झरना होगा इसलिए आएंगे, लेकिन मेरा मन इसलिए नहीं था या मैं इतना रिलीजियस नहीं था, मतलब ठीक है भगवान के मंदिर जाना या पूजा पाठ करना वो सब नहीं करता था। बट आई डोंट नो, एक वक्त ऐसा आया है कि शायद भगवान मुझे खुद ही हर जगह बुलाए रहे हैं। जैसे कहते हैं ना वैष्णो देवी माता में कि जब बुलावा आएगा तो अपने आप पहुंच जाओगे। तो ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं, जैसे कि तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था, बस हम गुजर रहे थे तो सडनली हमने एक बोर्ड पढ़ा, वहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी का ऐसे कुछ बता रहे थे। और सडनली वहाँ से कुछ किसी ने पूछा हमसे कि भैया अंजनी के लिए जाना है, कोई बाइक पे था, आई थिंक वो भी गुजरात साइड से होगा। मैं कहा अंजनी यार हमें तो नहीं पता, मैं कहा क्यों क्यों खास है आप बाइक पे इतना पूरा पैकअप होके आए हो? कह रहा हूँ वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस, आपको जाना चाहिए। एंड सडनली हम चल रहे थे और हमने पानी की बोतल ली, पीछे मुड़ के देखा तो वो बंदा गायब, मतलब बाइक आई थी। अब आई डोंट नो कि भगवान ने खुद ही सेंड किया कि बच्चों दिस इज़ द राइट टाइम टू बी रिलीजियस। और ऐसे ही हमारे साथ उदयपुर में मैं कम से कम 5-6 बार गया हूँ प्रोजेक्ट के सिलसिले में जहाँ हमारा काम चल रहा है, लेकिन कभी शिवा से छुपे गए ही नहीं। लेकिन इस बार अपने आप ही सिचुएशन ऐसी होती चली गई कि हम वहाँ भी चले गए, तो बस इतना ही है। अब देखो और क्या हमारे इस 100 डेज 100 होम्स की स्टोरी में और क्या क्या नई नई चीज़ें लिखी हैं। तो गाइस अभी हमें चलते चलते 15-20 मिनट हो चुकी हैं और अब हमें अंजनी माता की जो गुफा थी वो दिखनी शुरू हुई है। ये उनकी गुफा है और अभी बहुत ऊपर जाना है, ये है तो उधर वो जो दिख रहा है वो गुफा है। और अभी टेम्परेचर होगा करीब 42, तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो टी शर्ट मैंने उतार दी है क्योंकि इत्तेफाक से मैं ब्लैक ही पहन के आया हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था, पर कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान जी की असली जन्मभूमि नासिक से 26 किलोमीटर दूर ये जगह नहीं बल्कि कर्नाटक से पास किशिकंदा थी, जिसे आज हम सब हम्पी के नाम से भी जानते हैं। पर जो भी हो यहाँ ऊपर पहुंचकर अलग ही सुकून और शांति मिलती है। अब ये जगह हनुमान जी की असली जन्मभूमि है या नहीं इतना तो मैं नहीं पता, पर बारिश के सीजन में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अंजनेरी केव्स तक ट्रैक करने के लिए। तो फाइनली गाइस ऊपर पहुंच गए, थकावट तो हुई लेकिन थकावट यहाँ पहुंचने के बाद दिखती नहीं। एक मिनट, ये क्या था? वेल एक्चुअली हुआ ये कि वीक नेटवर्क स्ट्रेंथ की वजह से हमारे ड्रोन रेंज से बाहर चला गया और सामने की एक पेड़ से टकरा कर नीचे गिर गया। अब ड्रोन को ऐसे तो जाने दे नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ी देर सोच विचार के बाद खुद ही चला जाता हूँ नीचे इसके बचे कुचे अवशेष उठाने। लेफ्ट हैंड साइड में आपके चेक कर करके आना। हाँ बस अबे ड्रोन ओके है, लेग से बैंड रही है। मिरेकल मिरेकल। तो फाइनली अब यहाँ से हम जा रहे हैं और लास्ट टाइम मैं आपको अंजनी माता जी के दर्शन, जो एक टिप आप देख रहे हो ये उनकी केव की ही है और ये यहाँ पे हनुमान जी का वो है मंदिर है छोटा सा और ये उनका खेलने का एरिया होता था पहले, इसलिए यहाँ पे फ्लैट जमीन है पूरी और उधर चारों तरफ पहाड़ होते थे। अंजनी माता जी के घर को अलविदा करके मैं चल पड़ता हूँ आगे नासिक की ओर, पर रास्ता अभी लंबा था और इसी रास्ते पर मेरी मुलाकात हो जाती है महाराष्ट्र के पुलिस से, जो मेरी गाड़ी को देखकर कुछ तो खुराफात करने के मूड में थे, पर क्या ये जानेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।